हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि लेंस को एयर की बजाय किसी दूसरे मीडियम में यदि हम रख दें तो क्या उसकी फोकल लेंथ सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। तो क्वेश्चन ये है, क्या लेंस की फोकल लेंथ नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है कि नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यदि हम बात करें एयर की, एयर में लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होगी अपने पास 1/f(a)(μl-1) इंटू में 1/r1-1/r2। ठीक है, यदि हम किसी मीडियम की बात करें, लेंस को किसी दूसरे मीडियम रख दें तो उस केस में बोलेंगे फोकल लेंथ क्या होगी, fm होगी। ठीक है, तो उस केस में अपने पास क्या आएगा, म्यू एल अपॉन में म्यू एम माइनस वन वन अपॉन में आर वन माइनस वन अपॉन में आर टू। ओके स्टूडेंट, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एल से हमने ले लिया म्यू एम, म्यू एम क्या होगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उनके पास आ जाएगा म्यू एल माइनस में म्यू एम वन अपॉन में आर वन माइनस वन अपॉन में आर टू। ओके स्टूडेंट, अब हमने नाम दिया, इसको नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन सेकेंड, और 1/2 हमने कर दिया, एक को दो से डिवाइड कर दिया, उनके पास आ जाएगा 1/f(a)/1/fm। तो ये एफ एम स्टूडेंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एफ एम अपॉन में एफ ए इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो इस वाले टर्म से स्टूडेंट ये वाला जो टर्म है क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी डिवाइड करने पर, तो क्या बचेगा, तो लिखेंगे हम म्यू एल माइनस वन अपॉन में म्यू एल माइनस में म्यू एस अपॉन में म्यू एम अपॉन में म्यू एम। ठीक है, तो ये म्यू एम स्टूडेंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हम बोलेंगे एफ एम अपॉन में एफ ए इज इक्वल टू म्यू एल माइनस वन अपॉन में म्यू एल माइनस में म्यू एम इंटू में म्यू एम। ओके स्टूडेंट, अच्छा अब अपने पास देखिए कि एफ एम की जो वैल्यू अपने पास आई, अपने पास क्या आ जाएगी, म्यू एल माइनस वन अपॉन में म्यू एल माइनस में म्यू एम इंटू में म्यू एम इंटू में एफ ए फोकल लेंथ। तो किसी भी मीडियम में उस लेंस की जो फोकल लेंथ आएगी, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए भाई, मान लो हमें अपने पास लेंस अपने पास है, ठीक है, जो लेंस होगा उसका हम मान लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना आता है 1.5 यानी 3/2, और मान लो जो अपने पास मीडियम है, जिस मीडियम में रखा है सपोज ग्रो, वो अपने पास क्या है, वाटर है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अपने पास होगा 4/3, क्या होगा 4/3। यदि इसको हम सोल्व करें 3/2 माइनस में 4/3, एलसीएम आ गया 6, कितना आ गया 6, तो अपने पास क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 3/9, यहाँ जाएगा 9/8, तो 1/6, और अपने पास ये कितना आ गया 1/6। ठीक है, तो 1/6 मतलब क्या है कि 1/6, 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 6 से ऊपर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब जो फोकल लेंथ था वो क्या होगी, बढ़ गई, क्या होगी, बढ़ गई। या फिर इस पूरे को हम सोल्व करें, इस पूरे को हम क्या करें, सोल्व करें, जैसे 3/2-1 कितना आ गया 1/2 अपॉन में, इसको हमने सोल्व किया तो अपने पास क्या आंसर आया 1/6, कितना अपने पास आंसर आया 1/6। ठीक है, किसको, म्यू एल माइनस में म्यू एम को, ऊपर चला जाएगा म्यू एम। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू में म्यू एम की वैल्यू कितनी आती है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बोलेंगे 4/3, 2 से ये 2 कट गया, 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 काट देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 4, इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, इसका मतलब अपने पास क्या हो गया, एफ एम अपॉन में एफ ए इजिकल टू कितना आ जाएगा 4, इसका मतलब एफ एम की वैल्यू एफ ए से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, इसका मतलब लेंस को सराउंडिंग चेंज करने पर, मीडियम चेंज करने पर फोकल लेंथ होती है चेंज, और फोकल लेंथ कैसी होती है, बढ़ती है,
क्या होती है, बढ़ती है। हमने किस एग्जाम्पल से जाना, वाटर के केस में जाना, और वाटर केस में क्या जाना कि जो फोकल लेंथ हो कितनी हो जाएगी, फोर टाइम्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, फोर टाइम्स। एयर के रिस्पेक्ट में लेंस को रखेंगे वाटर में, तो वहाँ पर उस लेंस की जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो एयर वाली फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, फोर गुना हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।